पीड़ित महिला को न्याय हेतु बकेवर थाना पहुंचा गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक तारांकन। ससुराली जनों ने पीड़ित महिला सहित उसकी दो छोटी बच्चियों को घर से बाहर निकाला। चार वर्ष से मायके में रहकर जीवनयापन कर रही महिला न्याय का कर रही इंतजार। शादी के बाद और अधिक दहेज की मांग करने व दो बेटियों का जन्म हो जाने पर घर से बाहर निकाला तारांकन। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल के नेतृत्व में संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित महिला को लेकर थाना बकेवर पहुंचा। बुधवार को महिला उत्पीड़न के प्रकरण को लेकर पीड़ित महिला को न्याय दिलाने हेतु गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल थाना बकेवर पहुंचकर थानाध्यक्ष से वार्ता कर प्रकरण से अवगत कराया व पीड़ित महिला को न्याय दिलाए जाने हेतु पुरजोर मांग की। प्रकरण यह रहा कि पीड़ित महिला अनीता, जिसका मायका थाना चांदपुर अंतर्गत ग्राम सरहन बुजुर्ग है, जिसकी शादी 2013 में बकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम गौरी रेंज में संजय पाल पुत्र राम प्रसाद पाल के साथ हुई थी। अनीता ने बताया कि उसकी शादी के बाद 2013 से 2018 के मध्य दो पुत्रियों का जन्म हुआ। ये बात ससुराली जनों को बहुत अखरी और इन्हीं वर्षों के अंतर्गत मुझे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता रहा। आए दिन अधिक दहेज की भी मांग करते हुए गाली गलौज व मारपीट की जाती रही। आर्थिक स्थिति सही ना होते हुए भी मेरे पिता से जितना हो सका उससे भी अधिक का खर्च कर शादी की व शादी के बाद भी 75,000 रुपए दिए और जब मेरी दो बेटियां हो गई तो जनवरी सन 2018 में मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। मैंने कई बार मदद की गुहार लगाई, पुलिस में प्रार्थना पत्र दिया, परंतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी। तब मैं आज गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के पास पहुंचकर अध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ थाना आई हूं। मैं यही चाहती हूं कि मुझे मेरे पति व ससुराली जन घर में सही से रहने दें। मैं चार वर्षों से छोटी बच्चियों को लिए मायके में किसी तरह से जीवन यापन कर रही हूं। अध्यक्ष हेमलता पटेल अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पीड़ित महिला को थाने लेकर पहुंची व थानाध्यक्ष को मामले से पुनर्तः अवगत कराते हुए पीड़ित महिला को न्याय दिलाने जाने का पुरजोर अनुरोध किया, जिस पर थानाध्यक्ष ने गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल व उनके प्रतिनिधि मंडल व पीड़ित महिला को न्याय दिलाए जाने हेतु पूर्ण आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि मंगलवार को मायके व ससुराल पक्ष दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कराकर पीड़िता को ससुराल भेजा जाएगा और ससुराली जन उसे सही से रखेंगे भी, अन्यथा की स्थिति में कानूनी कार्यवाही कर पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। इस दौरान गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ पीड़ित महिला अनीता व उसके पिता राम स्वरूप भाई अशोक व प्रतिनिधि मंडल में जिलाध्यक्ष सरला सिंह, तहसील अध्यक्ष राजरानी, सचिव प्रीति देवी, रंजना, प्रियंका, विमला, सन्नो आदि मौजूद रही। तारांकन गैंग वालों के साथ आए, लगता है हमें कि हमारा समझौता हो जाएगा, हम अच्छे से अपने घर जाएंगे अपने बच्चियों से। आज इस महिला को लेकर के हम बकेवर थाने आए हुए हैं। इसके पति का नाम है संजय। चार साल से यह लड़की अपने पति से अलग रह रही है और आज हम लोग यहाँ पे बकेवर थाने आए हैं। तो मंगलवार के दिन यशो साहब ने कहा है कि हम उनको बुलाएंगे और इस लड़की को भी आप बुलाना, यहीं पे पंचायत होगी, यहीं पे इसका फैसला होगा और मंगल के दिन इसके भविष्य का निर्णय होगा। हम चाहते हैं कि यह अपने बच्चों सहित अपने ससुराल जाए और अपने घर में अच्छे से रहे, यही मांग आज हमने यशो साहब से रखा। यशो साहब ने आश्वासन दिया है कि ये मामला आपका यहाँ से लग जाए। यहाँ बकेवर थाने पे आए हुए हैं अपने लोकतांत्रिक गुलाबी गंज संगठन के साथ, वानी हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ भी। ये लड़की है जिसका जो है काफी दिन से ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके पिता लोग गए थे तो उनको भी बंधक बनाया गया। इसके बाद वो लोग यहाँ से जैसे तैसे करके भागे, पुलिस प्रशासन को बुलाया। उस समय पुलिस प्रशासन ने इनका पूरा सहयोग तो नहीं किया, लेकिन फिर भी जो किया सो किया। आज फिर वही समस्या को लेकर हम लोग यहाँ थाने पे आए हैं। लड़की के पास दो छोटी बच्चियाँ हैं, उनका भरण पोषण इनके बूढ़े पिताजी हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं, हमारी संगठन महिलाओं का एक ही रे होता है कि कम से कम जिस महिला का घर उजड़ रहा है उसे बचाया जाए और बसाया जाए। आज उसी समस्या को लेके इस लड़की को और इसकी दो छोटी बच्चियों का भविष्य में ध्यान रखते हुए हम लोग संघर्ष पे जारी है। इसका घर बसा के और अच्छे से विदा करने की दृष्टि रखते हुए आज इस थाने पे आए हैं और यही प्रयास मंगलवार के दिन हमारा जारी रहेगा, लड़की का घर बस सके।